टेक्निकल गार्डन में आपका स्वागत है और आज मैं बताऊंगा आपको इस जंगली चारे को ख़त्म करने के बारे में पूरी जानकारी। और यहाँ पे हमारे सब्जियाँ लगाने का ये प्रोग्राम है और इसमें बहुत सारा जंगली चारा हो रहा है और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस प्रकार का जंगली चारा है और लास्ट में सूखेगा उसका भी आपको अपडेट मिलेगा। हमारे इधर अभी तो लगा रखा है, ये देखिए पुदीना है, इसको हम आधा ही रखेंगे, ये भी सुखा देंगे, इसको आधा इधर का हम सुखा देंगे। और एक ये चीकू का पौधा है, ये अभी जंगली हो गया है, इसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर रखी है इसलिए ये चीकू का पौधा बढ़ नहीं रहा है। और इधर हमारे है ये देसी गुलाब, इसमें अच्छे से फूल आते हैं बढ़िया। और इसके नीचे भी बहुत सारा ये इस प्रकार का जंगली चारा है, आप देख सकते हो। और ये है गाजर घास, ये है धतूरा और इधर है ये मीठा नीम, इसको भी हम दवाई डाल के सुखाएंगे क्योंकि यहाँ पे लगभग 5 या 6 मीठा नीम के पौधे लगा रखे हैं जिसमें वो सबसे बड़ा है। और एक ये नींबू का पौधा भी लगा रखा है हमारे इसमें। और कुछ पौधे हमारे ये गमलों में है, ये जेट प्लांट और एलोवेरा तुलसी का पौधा है वो, और इस गमले में मीठा नीम और है। और इधर थोड़ा ये गाजर घास जो ज़्यादातर सभी जगह उगती है, ये उखाड़ने से भी और अधिक फैलती है और बहुत सारी जगह खाली प्लॉट में भी ये गाजर घास ज़्यादा होती है। और इधर है हमारे ये सफ़ेद आग का पौधा, इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे। और नीचे मोगरा का पौधा है और इधर अनार का पौधा है और ये अमरूद का पौधा है। इन सबको बचाते हुए जो हमारे काम के पौधे हैं इनको बचाते हुए हम इसमें दवाई डालेंगे और कौन सी डालेंगे और कब तक असर होगा वो भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी हमारे इस चैनल पर। और हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियो भी है जो सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर ही देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये जो गोल वीडियो चल रहा है यहाँ पे जो एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आएगा वो आपके नहीं चलेगा। अगर आप बहुत सारे अच्छे वीडियो देखना चाहते हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी और गार्डन संबंधित सभी प्रकार की सबसे बेस्ट अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और ये मैं बता देता हूँ आपको दवाई के बारे में पहले, तो ये हमारे ये इलेक्ट्रिक स्प्रे मशीन है, ये 18 लीटर की है और हम इसमें दवाई डालेंगे ये मेरा 71। अगर मार्केट में ये आसानी से बहुत सारी जगह नहीं मिलती है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी घर पर मंगवा सकते हो, जिसपे मतलब 2 से 3 दिन में ये दवाई आपके घर पर आ जाएगी। और ज़्यादातर हम गार्डन में डालते हैं ये सेमप्रा दवाई जो सिर्फ मोटा घास को ख़त्म करती है, लेकिन हम ये जो मेरा गेत्र डाल रहे हैं इससे जितना भी ये हरा चारा है जंगली चारा है वो सभी प्रकार के सूख जाते हैं। क्योंकि अगर हम इस बड़े पौधों पे भी हम अगर ये दवाई डालते हैं तो ये भी सूख जाते हैं। दवाई डालते समय हमको ये जरूर खास ध्यान रखना है कि अगर हम आम के पौधे के यहाँ पर जंगली चारा है तो इसके आसपास मतलब 1 फीट हम घेरा छोड़ देंगे जिससे वहाँ पे हम बाद में खुदाई करके हटा सकते हैं। और थोड़ा बहुत ध्यान भी हमको दवाई डालते समय ये रखना है कि अगर कोई सा भी पौधा है तो उसके ऊपर न पत्तों के ऊपर वो दवाई नहीं लगनी चाहिए, जिससे दवाई जिस पे लग जाएगी पत्तों पे वो पौधा सूख जाएगा। अगर अमरूद का पौधा है तो इसके ऊपर दवाई डाल देंगे तो सूख जाएगा वो। और इसमें जितना भी ये हमारे ये देसी घास है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको खुदाई करने से भी ये आसानी से नहीं जाता है, खुदाई करने के लगभग ये 10 से 15 दिन में मतलब पूरा ये जैसा है उस प्रकार वापस आ जाता है। और अगर आपके गार्डन में कोई से भी किसी भी प्रकार का जंगली चारा है तो ये मीरा गेत्र का दवाई का स्प्रे जरूर करें। और इसमें कैसे क्या करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम ये जो 18 लीटर की टंकी है तो इसमें हम 1 पैकेट मिलाएंगे, लगभग ये तो 8 से 10 लीटर के पानी के लिए है इसलिए हम थोड़ी इसमें दवाई और ज़्यादा डालेंगे। और दवाई डालने के बाद हम इसमें एक शैम्पू भी मिलाएंगे, जिससे क्या होगा कि दवाई जो हम डालेंगे उसमें अच्छे से रिजल्ट आएगा और जल्दी आएगा। और दवाई डालने के बाद इसमें कितने दिन में कैसे क्या असर रहता है इसके अपडेट भी आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो इसमें कैसे क्या करना है जो बताता हूँ आपको।
सबसे पहले हम ये जो एक्स्ट्रा गमले पड़े हैं इसको हम एक साइड में रख देंगे, जिससे यहाँ पे भी जो जंगली चारा है उस पर भी हम दवाई अच्छे से डाल सकते हैं। और रखने के बाद हम इस मशीन में पानी डाल देंगे और उसके साथ में ये दवाई मिक्स कर देंगे, और दवाई मिक्स करने के बाद हम शैम्पू मिलाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको ये दवाई मिक्स करके फिर आगे का अपडेट देता हूँ। हाँ तो गाइस, अब मैंने इसमें टंकी में जैसे पानी भर लिया ये देखिए, और अब हम इसमें बाल्टी में अलग से थोड़ा सा पानी लिया है जिसमें हम ये मीरा केतर दवाई इसमें डाल देंगे, जिससे ये पानी में अच्छे से घुल जाएगी। और इसके साथ में ही हम मिलाएंगे थोड़ा सा शैम्पू, आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ में ले सकते हो, इससे रिजल्ट थोड़ा अच्छा रहेगा और जल्दी दवाई का असर हमारे काम करेगी। और इसको थोड़ा सा अब हम हिला देंगे जिससे पानी में अच्छे से दवाई घुल जाएगी, और इसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए पानी में घुलने के लिए छोड़ देंगे दवाई को। और तब तक हम इस ये जो गमले पड़े हैं हमारे घास के ऊपर जंगली चारे के ऊपर, इसको हम साइड में रख देंगे, जिसमें 5 मिनट में ये दवाई भी घुल जाएगी और गार्डन में डाल सकते हैं। और आप थोड़ा ये भी जरूर खास ध्यान रखें, अगर आप जहाँ पे भी ये जंगली चारे की दवाई डाल रहे हो तो इसमें गार्डन में अच्छे से गीला जरूर होना चाहिए, मतलब एक दिन पहले आप गार्डन में ऐसे पानी डाल सकते हो या बारिश का गीला हो तो उसके बाद ही आप दवाई डालें, बाकी दवाई असर नहीं करेगी। अगर वो सारे सूखे में अगर दवाई डाल देते हैं, मिट्टी अगर गीली नहीं है, नमी नहीं है मिट्टी में, तो आप दवाई डालोगे तो उसमें इतना खास रिजल्ट नहीं रहेगा। हमारे इधर 2 दिन पहले अच्छे से बारिश आई अच्छी, जिसमें पूरा ये हमारा मिट्टी गीली है, तो इसमें हमारा रिजल्ट अच्छा जोरदार और 100% रहेगा। तो चलिए मैं अब दवाई को टंकी में मिला के फिर आपको दवाई डालने के बाद का अपडेट है। हाँ तो गाइस, ये देखिए ये आम का पौधा है, तो इसको बचाने के लिए हम इसके चारों तरफ दवाई डाल देंगे इस प्रकार, और इससे क्या होगा कि इसके पास पास में हम कस्सी से खुदाई कर देंगे और ये जंगली चारा आसपास से सूख जाएगा, और कस्सी की खुदाई की सहायता से हम उसको हटा सकते हैं। और इसी प्रकार मैंने सभी पौधों के चारों तरफ दवाई डाल रहा हूँ मैं अभी, और चलिए मैं दवाई डाल के फिर आपको अपडेट देता हूँ। हाँ तो गाइस, ये देखिए अब मैंने पूरे गार्डन में अच्छे से दवाई डाल दी है, और आज की ये पोजीशन है, और आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगा वो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। और मैंने इस दवाई की सहायता से अच्छे से सभी जगह इस प्रकार दवाई डाल दी है, और इससे थोड़ा फास्ट काम हो गया हमारे, और जितने भी हमारे को इन पौधों को बचाने हैं उनको हमने बचा लिया है, और बाद में इसका अपडेट आपको मिलेगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको पूरी जानकारी ज़रूर मिलेगी और कमेंट का जवाब भी आपको दिया जाएगा। चलिए मैं अब चलता हूँ, अगले वीडियो में वापस मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।